हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु। और एसएससी सीजीएल 2022 का जो 8 दिसंबर का टीयर वन का हम शिफ्ट वन का एग्जाम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में आज डिस्कस करूंगा अभी। ओके, तो ये मैंने बताया था कि ये उस पर्टिकुलर टीयर वन का जो दिसंबर का था उसका सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट वाला शिफ्ट था। तो चलो देखते हैं जनरल अवेयरनेस के कैसे क्वेश्चन आए थे। ये आपको आइडिया देने के लिए है कि सीजीएल का पेपर टीयर वन का आता कैसे। ओके, तो लास्ट मोस्ट रिसेंट यही हुआ था दिसंबर में, तो उसमें से हमने पूरा एक मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके सारे सेक्शन, तो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू राइट। ये तो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ, याद भी रह जाता है कि ब्लू को रेड में चेंज कर देता है एसिड। ओके, तो ये तो सबको पता होगा राइट, मोस्ट प्रोबेबली साइंस आप थोड़ा पढ़ेंगे भी, हम भी साइंस के लेक्चर करेंगे तो उसमें आपको ये सारा पता लग जाएगा राइट। कॉमन क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम करवा देंगे। ये तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, सबको ही पता होगा राइट, मैं मान के चलता हूं ये करेक्ट होगा सबका। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स एंड देयर रीजन आर करेक्टली मैच्ड राइट। ये सिर्फ ये था कि थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी, मतलब अगर तुमने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है तो कर पाते, वरना थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते थे। देखो पटकाई हिल्स जो है वो ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ओके रादर इनमें वो जो तीन पार्ट है इसके, ओके अगर आप उसको तीन पार्ट को जानते हो, पटकई भूम है और फिर ये जो मिजो हिल्स है ये भी उसका पटकई हिल्स का पार्ट ही है, मिजो हिल्स भी उसका पार्ट है। ओके, ये सारा तो मतलब अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा उसने आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब ज्योग्राफी तो जीके में तो यही होता है ना, आता है ठीक है, नहीं तो नहीं राइट। तो आपको अगर पता है कि पटकई के वो तीन पार्ट होते हैं, पटकई भूम, एक गारो खासी और जयंतिया हिल्स राइट, वो वाली आती है, और एक लुशाई। लुशाई बेसिकली मिजो हिल्स को ही बोलते हैं। ओके, तो ये सारा क्या है, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो ये तो आपका ईस्टर्न घाट नहीं हो सकता राइट, वेस्टर्न घाट नहीं हो सकता। मिजो हिल्स भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। ओके, ये शिवर जो शिवर ऑय हिल्स होती हैं, ये भी ईस्टर्न घाट्स की है राइट, ये भी ईस्टर्न घाट्स की है, तो वेस्टर्न घाट मैच नहीं कर रहा राइट। तो आपके पास एक ही बचता था, जावड़ी हिल्स। ओके, तो चलो ये करेक्ट है। वैसे भी अगर ये तो जीएस में आपको यही होगा कि अगर आपने पढ़ रखा है, आता है तो आपने याद कर रखी है। वैसे ज्योग्राफी याद करोगे तो आप हिल्स वगैरह तो याद करोगे ही, कौन कौन से घाट्स पे कौन सी है और किस किस कहां लोकेशन है उनकी राइट। तो ये तो मेनली आपको मिल ही जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सबसे आसान था, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। ओके, इंडिया के यूनियन का हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट। ओके, गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट बनाता है वो अपनी पार्टी का हेड, गवर्नमेंट का हेड राइट, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। पावर्स भी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती है हमारी, बट प्रेसिडेंट जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को रिक्रूट करता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कथक डांसर सितारा देवी वाज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 1973। अगर ये मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगा कि ये वैसे आप थोड़े से अवार्ड वगैरह याद करते ही हो, बट 1973 का अवार्ड पूछा उन्होंने राइट सडनली, तो ये कोई कनेक्ट थोड़ा सा डिसकनेक्टेड सा लगा, बट फिर भी आपको याद होने चाहिए ये सारे कुछ अवार्ड्स वगैरह, पुराने भी याद करेंगे आप। तो पद्मश्री अवार्ड था जो 73 में सितारा देवी को, एक्चुअली ये बाकी ये पद्म विभूषण या पद्म भूषण ये सब मिले ही नहीं है, पद्मश्री अवार्ड ही मिला है। ओके, कथक डांसर थी वो। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which article of the Constitution of India deals with the recognition of the right to education as a fundamental right? ये आपको 100% पता होना चाहिए राइट, ये 100% पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस अमेंडमेंट के थ्रू और किस ईयर में राइट वो आपको मतलब इस सारे का, जो अगर मैं राइट टू एजुकेशन की बात करूं तो ये 86th अमेंडमेंट था 2002 में
राइट 2002 में आप 86th अमेंडमेंट के थ्रू राइट आपको मिला, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन है। ओके तो ये किसके थ्रू हुआ था? आर्टिकल 21A। ओके आर्टिकल 21A। ओके ये आपका आर्टिकल था जो कि आपको ये बता रहा है के राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट राइट। और जो बाकी आप चॉइस में देख रहे हैं, मतलब 300A, 300A तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। उसको क्या बना दिया था आर्टिकल 300A के थ्रू, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो प्रोटेक्ट करता है वो आर्टिकल 300A है। ओके तो आर्टिकल 300A जो है आपका, वो राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट बना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके तो और बाकी आपका आर्टिकल 20 जो है वो ऑफेंसेस राइट, ये आप ऐसे सारे आर्टिकल्स आप अलग से पढ़ोगे, बट होता क्या है आर्टिकल 20 क्या कहता है, जैसे कोई ऑफेंस आपने किया उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे वो ऑफेंस कमिट हुआ उस टाइम पे उसकी जो सजा लिखी गई थी, उसके जो पेनल्टी वगैरह प्रोविजन में उसमें था, उस ऑफेंस को वहां जो माना गया था, वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ऑफेंस की सजा मिलेगी उसकी राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में उस ऑफेंस को, अगर कोई ऑफेंस वहां डिफाइंड नहीं था उस लॉ में राइट, आपने कभी कोई ऑफेंस किया और उस समय तक उससे पहले वो ऑफेंस डिफाइंड ही नहीं था, उसमें लिखा ही नहीं हुआ था लॉ की बुक में, तो उसकी आपको सजा नहीं हो सकती राइट, ये कहता है। ओके चलो नेक्स्ट में चलते हैं, आर्टिकल तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आप पूरा पढ़ेंगे ही। ओके ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950 एंड 90 द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली, एग्रीकल्चर पहले इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी ना, तो वो धीरे धीरे 90s तक आते आते वो तो डिक्लाइन हुई है ना, उसका प्रपोर्शन तो पक्का ही डिक्लाइन हुआ है, कॉन्स्टेंट भी नहीं रहा, इंक्रीज भी नहीं हुआ, डबल कहां से, मतलब एग्रीकल्चर का था तो डिक्लाइन हुआ है शेयर राइट, जो कि मॉडर्नाइजेशन से राइट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, तो एग्रीकल्चर का जो प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी है राइट, हमारे जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ। ओके नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपका साइंस का है, इसमें आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा राइट। आप इक्वेशंस वगैरह भी देख सकते हैं, अदरवाइज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 राइट, ये बना देता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट राइट, हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये आ जाता है फाजियान लिखा हुआ है, हम पढ़ते थे जब अपने स्कूल टाइम में, फायान बोलते थे, फायान, यस फायान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो फायान कौन था, वो जो 60 की एज पे वो बंदा यात्रा पे निकला था, ओके चाइना से, एंड ये बुद्धिस्ट मॉन्क होते ना वो, तो वो हमारा बुद्धिज्म का पूरा टेक्स्ट लेने के लिए वो उसका जो इधर पाटलिपुत्र में गया, ये सारा विजिट करने के लिए वो आया, और वो सबसे बड़ी बात थी वो चाइना से वहां इंडिया तक ये सारी जो उसने ट्रेवल किया ये पैदल ट्रेवल किया था राइट, पैदल आया था, तो वी कैनॉट थिंक ऑफ, और वो 60 की एज पे चलना स्टार्ट हुआ था। ओके तो फायान जो है उसकी ये रिटर्न जर्नी, उसने कहा था फॉर इज जर्नी बैक फ्रॉम बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो बैक कहां से गया था, बंगाल से राइट, बंगाल से, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला चैप्टर सारा। ओके ग्रॉस प्राइमरी डेफिशिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ग्रॉस प्राइमरी डेफिशिट की बात कर रहा है, देखो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो होता है, एक तो चलो जो भी है हमारा डेफिसिट है उसमें, मतलब इंटरेस्ट लायबिलिटीज जो है वो जब तक कैलकुलेट ना कर तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है, उसमें इंटरेस्ट की भी लायबिलिटीज डाल देते हैं तब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, तो ए ऑप्शन आ जाएगी आपकी, ये आप इकोनॉमिक्स में पूरा पढ़ेंगे, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, तो वो आपका होगा ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। ओके
चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा मतलब इनके आंसर ही डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन थे, आपको एक आइडिया दिलाने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड सारे तो कोई, मैं बताता हूँ, सबकी नॉलेज पूरी पूरी नहीं होती, मतलब हर फील्ड में तुम्हारी सारी नॉलेज हो, ये रेयर होता है। तो काफी स्कोर जो होता है वो मतलब इतना हाई साइड पे नहीं जाता है। इस बार रादर जो CHSL में आया वो काफी इजी आया था, राइट। फिर भी 19 कुछ के करीब जो है अच्छा स्कोर गया था। तो ये तो इस तरह की आएगी तो काफी कम हो जाता है। ओके, द न्यूज प्रिंट सेक्टर इन आर कंट्री इज गवर्न्ड बाय विच ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो न्यूज प्रिंट सेक्टर है, कौन होता है, न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर, ओके, 2004, इसके थ्रू गवर्न होता है न्यूज प्रिंट सेक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंट मीडिया की बात कर रहे थे हम। तो विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 का एलिमेंट पूछा हुआ है, वो इज अ सॉफ्ट मेटल विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट 303 K एंड इज वाइडली यूज्ड टू इन डोपिंग सेमीकंडक्टर्स एंड प्रोड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स। तो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर होता इंपॉर्टेंट है, बट अगेन तुमने पढ़ा होगा तभी तुम आंसर कर पाओगे। गैलियम इज द करेक्ट आंसर, राइट। गैलियम होता है जो एलिमेंट ग्रुप 13 का, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये यूज करते हैं हम डोपिंग सेमीकंडक्टर्स एंड प्रोड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये प्रॉपर साइंस का क्वेश्चन, अगेन आप साइंस जब पढ़ेंगे तो पूरा करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कम इन कंपाउंडिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर कॉम्प्लेक्सेस ईच ऑफ विच कंटेन्स अ डिफरेंट सेट ऑफ लिगेंड लिगेंड दैट कैन इन प्रिंसिपल बी रिप्लेस्ड विद द लिगेंड ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये साइंस में आप पढ़ेंगे। अब आ जाता है ये इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये था थोड़ा सा एम्बिगुअस कि रेड क्लिफ लाइन सेपरेट इंडिया विद विच कंट्री। इनको मुझे लगता है बांग्लादेश चॉइस में नहीं देना चाहिए था, राइट, क्योंकि वो जो फॉर्मर पाकिस्तान था पहले, तो इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन डिवाइडिंग लाइन थी उसी को रेड क्लिफ लाइन कहा था, राइट। वो जो कर्नल रेड क्लिफ ने ये किया था सारा, जो डिवाइड किया था, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ ही लाइन होती है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी ये लाइन रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं उसको, राइट। तो मुझे लगता है ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो आई होप करेक्ट आएगा। तो चाइना के बीच में जो है वो मैकमोहन है, राइट, और इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश की रेड क्लिफ लाइन ही है। ओके, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है ड्यूरंड लाइन, जो कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। कौन सी होती है रॉक, ग्रेनाइट। ओके, ये सब आप याद करेंगे, साइंसेस का मैं कह रहा हूं कि आप याद पूरा पढ़ेंगे तभी आपको होगा, और काफी चीजें याद करनी पड़ेंगी अगर आपने पहले मतलब अच्छे से नहीं पढ़ी हुई। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब ये करंट अफेयर का अभी ज्यादा सेंस नहीं बनाता ये क्वेश्चन, क्योंकि इन जुलाई 2022 कौन अपॉइंट हुआ था एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। अब डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, राइट, अगर आप बात करते हैं तो उसके बाद ये आर के गुप्ता था, आर के गुप्ता। उसके बाद रादर अक्टूबर 2022 में, राइट, एक और अजय भादु आईएएस है, इधर के गुजरात काडर के आईएएस अजय भादु, राइट, ये भी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो है रिक्रूट हुए थे। ओके, तो वो तो करंट उस पर रहेगा, करंट अफेयर पीछे 5-6 महीने का आप देखेंगे तो कौन कौन रिक्रूट, मेजर पोस्ट पे कौन रिक्रूट हुआ, कौन कुछ, वो तो याद करेंगे आप। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस इन इंडिया। ओके, इट इज प्रेरणा श्रीमाली। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। Who has been appointed as the chairperson of CBSE in May 2022? अभी May 2022 में रिक्रूटमेंट, देखो वहां की रिक्रूटमेंट मई की, जुलाई की, वहां की पूछी हुई है पिछले, तो
उसमें, बट ये अभी भी करंट चेयरपर्सन भी यही है, निधि छिब्बर, राइट, जो कि सीबीएसई की चेयरपर्सन है. ओके, तो ये भी आपको सब चीजें मतलब पढ़ते रहोगे, जितना ज्यादा करते रहोगे, प्रीवियस क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे तो उन्हीं के आंसर्स आपको याद हो जाते हैं. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज डज पद्म भूषण किशोरी अमोनकर बिलोंग टू. ओके, तो किशोरी अमोनकर जो पद्म भूषण है, घराना किस घराने से बिलोंग करती है? इट इज जयपुर अतरौली. ओके, जयपुर के अतरौली घराना से. तो नेक्स्ट पे आ जाओ, अब आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, रविंद्रनाथ टैगोर. मदन मोहन मालवीय किसके फाउंडर हैं? राइट, वन ऑफ द फाउंडर, को फाउंडर ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. राइट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय जी, राइट, उनके. स्वामी विवेकानंद तो वो रामकृष्ण मिशन वो सब, राइट. ओके, ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो है, बट यूनिवर्सिटी की बात आती है तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, BHU के वन ऑफ द को फाउंडर मदन मोहन मालवीय, और भी थे, राइट, एनी बसंत भी उसमें से एक थे जो BHU के फाउंडर्स में. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन भूमिपुत्र इन अगस्त 2022? अब ये वही अगस्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन था एक्चुअली. सो दिस वॉज आसाम, आसाम स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन भूमिपुत्र. ओके, देन इन द डैश सरोजिनी नायडू परसुएडेड महात्मा गांधी. दिस इज हिस्ट्री, राइट, ये इंपॉर्टेंट रहती है, ये सब हमें पता होना चाहिए. कौन सी क्विट इंडिया मूवमेंट थी, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी. तो सॉल्ट सत्याग्रह था जबकि सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को परसुएड किया ताकि विमेन को भी, औरतों को भी उस मूवमेंट में ज्वाइन करवाने के लिए. ओके, तो औरतों ने भी ज्वाइन किया फिर उसको. द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 वाज हेल्ड इन. अब ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कि उस टाइम पे 2022 में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हुई? तो ये हुई थी दुबई में, राइट, दुबई में. ओके, बट हम अभी का जो करंट है, जो इस बार के सिनेरियो से इंपॉर्टेंट होगा, राइट, वो पिछले 7-8 महीने का, वो हम सारा कवर करेंगे ताकि खासकर 1 साल का आप लेके चल सकते हो कि हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा उसको कवर कर लेंगे. नाउ राजकुमार सिंहजीत सिंह, अ लीडिंग एक्सपोनेंट एंड गुरु ऑफ इंडियन क्लासिकल मणिपुरी डांस फॉर्म, वॉज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिविलियन ऑनर इन 1986? अब 86 में कोई ऑनर मिला, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो जाते हैं जो कि हम पक्का ही सारे करके रखेंगे. तो इट वॉज पद्म भूषण राजकुमार सिंह अजीत सिंह को, राइट, इंडियन क्लासिकल मणिपुरी डांस फॉर्म के लिए. ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं और ये तो थोड़े मतलब डूएबल क्वेश्चन होते हैं, आराम से पक्का ही सबको पता होने चाहिए. थोड़ा बहुत अभी गेम्स में इंटरेस्ट है तो पता लग जाता है. और ये है किदाम्बी श्रीनाथ श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत, राइट, के श्रीकांत हमारे क्रिकेट प्लेयर भी थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत. ओके, वो क्रिकेट प्लेयर थे, बहुत मतलब जाने माने क्रिकेट प्लेयर, अच्छा नाम था. तो के श्रीकांत ही है ये भी, ये किदाम्बी श्रीकांत है, राइट. ये है बैडमिंटन प्लेयर. मोनिका बत्रा तो आप जानते होंगे, मोनिका बत्रा जो है अभी अभी वो पीछे TT में काफी अच्छा उन्होंने किया था. सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वॉज इम्पोज ऑन अवध, राइट, ये इट वॉज इन 1801. ओके, ये आप याद करेंगे हिस्ट्री में सारे. ओके, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था. इसी बहाने क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सारे डिस्कस कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही याद हो जाते हैं. तो प्रीवियस ईयर के तो सारे क्वेश्चन देख ही लो. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद.